भारतीय सिंधु सभा की ओर से आज अमर शहीद हेमू कल्याणी का 77वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और डिगी चौक पर स्थित हेमू कल्याणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय सिंधु सभा के कई पदाधिकारी व अन्य सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद हेमू कल्याणी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर वर्ष की भांति इस बार भी भारतीय सिंधु सभा की ओर से 77वां हेमू कल्याणी बलिदान दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम दो दिन हमेशा चलता है। कल सायंकालीन महाराजा दाहसेन स्मारक पर पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलित करके श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। आज ढिक्की चौक पर हेमू कल्याणी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के निमित्त अजय नगर इकाई की ओर से युवाओं ने एक बहुत बड़ी वाहन रैली का आयोजन किया और वो रैली अजय नगर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई और यहाँ पे हेमू कल्याणी चौक पर विसर्जित हुई और उसके बाद में इस कार्यक्रम को यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मनाने के पीछे भारतीय सिंधु सभा का हेतु ये रहता है कि आने वाली युवा पीढ़ी को 19 वर्ष की आयु में जो हंसते हंसते अपने देश के ऊपर अपने प्राण निछावर कर दिए, नई युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहे, इस कार्यक्रम के पीछे ये हेतु रहता है। भारतीय सिंधु सभा की तरफ से आज 77वां बलिदान दिवस हेमू कल्याणी जी का मनाया गया। इस अवसर पर हमारे जो युवा हैं उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जो रैली का विसर्जन यहाँ आके हुआ। इस रैली का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे जो युवा हैं वो समझें कि हेमू कल्याणी ने देश के लिए क्या किया। एक छोटी सी उम्र में, जिस समय 19 साल में एक युवा होता है जिसके बहुत सारे अरमान होते हैं, उन अरमानों का गला घोटकर केवल देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करना, ये केवल हेमू कल्याणी से ही हम लोगों को सीखने को मिलता है। ऐसी प्रेरणा लेकर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही देश का और पूरे विश्व का भला करेंगे।